हाय, हम पहुंच चुके हैं हमारे सब्जेक्ट के आखिरी चैप्टर पे, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस। किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन। मतलब ये कि आप कैसे अपने टीम के साथ, अपने कलीग्स के साथ, हायरार्की में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कैसे कम्युनिकेशन का फ्लो रहता है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिफाइन होती है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हम देखेंगे उसके एट्रीब्यूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये कि किसी भी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी को कैसे लाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी कैसे लाई जा सकती है, और उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेशन पैटर्न। इसमें से कुछ चीजें ऐसी है जो आपने अगर 12th कॉमर्स से किया है तो अपने 12th स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, या फिर 12th CBSE में जरूर पढ़ी है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत नया नहीं होगा, एंड दोज हु आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम उनके लिए ये थोड़ा सा नया हो सकता है, बट ये टॉपिक बहुत इजी है, इसलिए आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। अगले वीडियो से विल स्टार्ट विद द टॉपिक कम्युनिकेशन इन बिजनेस।